यहाँ मुझे पनीर का रेट बताया जा रहा है 360 पर केजी, 360 पर केजी, जो कि हमारे यहाँ का स्पेशल पनीर है और डेरी का है। डेरी पे ना कम रेट में भी मिलता है, लेकिन वो अच्छा नहीं रहता। हमारी जो मेन कॉलोनी में मिलता है वो इतना टेस्टी नहीं मिलता, ये दूसरी कॉलोनी से हम लेके आते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त वाला पनीर होता है, और पैकेट वाला तो खैर आता ही है, पर वो और भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। पैकेट वाले के रेट ही होगा मेरे हिसाब से, है ना से? पैकेट वाला? हम्म, स्टोर बोट आवा जो वो तो और भी बहुत महंगा हो तो इससे भी। हाँ, लेकिन इस जैसे पनीर नहीं है वो। हाँ जी, तो पनीर की चर्चा क्यों चल रही है सुबह सुबह? आज दिन संडे का है, लेट काफी हो रहा है, वही हो जाते हैं नॉर्मल डे पे। पिछला संडे था कि हमारा 9 बजे तक ब्रेकफास्ट पूरा कंप्लीट हो गया था, और आज 9:15 हो चुके हैं। अभी हमारी चाय भी नहीं हुई, भूख लग रही है, तो अब मैं थोड़ी सी बना रही हूँ चाय। ये थोड़ा सा अपने काम में लग गए थे, पेड़ पौधों में खाद डालने के लिए, और ये देखो श्रेय प्याज उठाए खड़ा है। तो श्रेय और मैं बराबर अपनी जो है तैयारी में लग गए हैं। प्याज क्या कौन पानी आएगा, मैं छीलूंगी। हट, रहने बेटा, देखो प्याज छील लेगा, ये काम मेरे कर देगा, और चाय बना लेता है। अच्छा, हाँ चाय तो मैं चढ़ाती हूँ, तो थोड़ी सी पहले। तो क्या करेगा? चाय नहीं, अभी पराठा बना रही हूँ, बस साथ साथ ही। तो जी मैं बना रही हूँ अभी थोड़ी सी चाय इनके लिए और अपने लिए। अंश भी बोल रहा है, अंश को ना बिरड ने काट रहा, ततई जो होता है क्या बोलते हैं उसको, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं पता, ततई ने काट रखा है यहाँ पे उसका हाथ। बिरड नहीं जानते बहुत लोग, बिरड हम ही बोलते हैं। नहीं, बतेरे लोगों को पता। अच्छा, बतेरे लोगों को पता, श्रेय की लैंग्वेज सुना करो आप। पुलिस में इतनी बिरड है, क्या बताऊं। पुलिस में? हाँ, तो उसका ना यहाँ पे पूरा स्वेलिंग हो रखी है हाथ में। तो जी हम, मैं चाय बनाती हूँ और फिर फटाफट से जल्दी जल्दी बनाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट, उसमें बनेंगे प्याज और पनीर के पराठे। लेकिन पहले चाय पीना जरूरी है, आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो जो भी आज का संडे के दिन का हमारा रूटीन रहेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए चाय चढ़ा देती हूँ, श्रेय अपने काम पे लग गया। लाइट चली गई थी, लेकिन लाइट आ गई। और एक
चाय बन रही है और तब तक मैंने इनको छील भी लिया और अब कर लेती हूँ कट, क्योंकि इनकी मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी आम की चटनी, आम की लोंजी भी कुछ लोग बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेई हुई अम्बी, हम इनको सेई हुई अम्बी बोलते हैं, मतलब मेरे मायके में उधर गाँव की साइड ना ऐसे बोलते हैं। तो जी खट्टी मीठी चटनी बन जाएगी और जल्दी ये काम मेरा हो जाएगा, जब तक चाय वगैरह होगी ये तैयार हो जाएगी। इसमें ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आम बहुत जल्दी कुक हो जाता है। यहाँ पे बन रही है चाय, चाय में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, देखो जब तक अच्छे से पके ना तब तक टेस्ट नहीं आता। तो उधर चाय मेरी कट रही है, एक मिनट के लिए बंद कर दूँगी, ढक के रख दूँगी। सबसे पहले मैं इसमें तड़का ही लगा देती हूँ, और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ, सरसों के तेल में ये बनाई जाती हैं। इसको मैंने गरम कर लिया है और यहाँ पे डाल दिया है मेथी दाना और कलौंजी, नजरेला सीड्स जो होते हैं वो मैंने डाले हैं। वैसे इसमें पांच मसाले, पंचफोरन मसाला भी डाला जाता है, चारी मसाला जिसको बोलते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ज़्यादा मसाले वाला पसंद नहीं करते, वो बहुत बीज बीज से हो जाते हैं बोलते हैं। तो दो ही मसालों के साथ मैंने इसको तड़का लगाया है और अच्छे से करूँगी इनको मिक्स। पीस आप अपने हिसाब से बड़े छोटे कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे छोटे किए हैं क्योंकि मैं इसका मतलब वैसे बनाऊँगी, जो पीस अलग रहते हैं ना वो नहीं बनाऊँगी, घुली घुली सी पेस्ट टाइप ही मैं इसका बनाने वाली हूँ। यहाँ पे थोड़े से मसाले, रेड चिली पाउडर और जो है सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है, थोड़ा सा कलर वाली मिर्ची भी डाली है जो कश्मीरी रेड चिली होती है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, गरम मसाला मैंने साथ में ही ऐड कर दिया है। अच्छे से इनको मिक्स कर लेती हूँ, और ये देखिए तेल के साथ ना मसाले कितने अच्छे से कलर आया है, कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, पानी भी आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको थिकनेस इसकी रखनी है जिस हिसाब से, उसी हिसाब से मैं इसको कर रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। लेकिन ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है, आम की खट्टी मीठी सब्जी बोलूँ, चटनी बोलूँ, लौंजी बोलूँ, जो भी। तो इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी और ये बन जाएगी, बातों ही बातों में इसका काम तो मेरा हो गया, टाइम भी नहीं कुछ मेरा ज़्यादा लगा। और अब हम बैठ के चाय इन्जॉय करते हैं, तब तक ये तैयार हो जाएगी, फिर इसमें डालेंगे मीठा गुड़। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी भी बैठी है और ये भी नहा धो के पूजा करके बैठ गए हैं, मेरी तो खैर पूजा पहले हो ही गई थी, फिर इन्होंने भी कर ली है, और बस दिन भर की क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है, यही चर्चा यहाँ पे हमारी चल रही है। और ये अंश देखो, इसके पैरों पे अभी भी ब्लैंकेट है, और ये ऐसे ही करता है, खाली पैर नहीं रखता अपने, बोलता है कि फिर मेरे हो जाता है, तो इसलिए ब्लैंकेट नहीं छोड़ता। और दोनों भाइयों की लड़ाई बज रही थी, वो ब्लैंकेट उठा रहा था, वो नहीं दे रहा था, तो ये इनकी डेली की मस्ती चलती है जिस दिन छुट्टी होती है। जब तक हमारी चाय हुई है, और यहाँ पे देखिए आम की चटनी रेडी होने वाली है, इसमें मीठा अभी तक मैं डाल सकती थी, लेकिन अभी मैं चाय पी रही थी तो ये अच्छे से बन गई हैं। इससे पहले थोड़ी देर पहले इसमें मीठा जा सकता था, क्योंकि सॉफ्ट होने के बाद इसमें मीठा जाता है, लेकिन ये अच्छे से कुक हो गई हैं। अब मैंने डाल दिया इसमें गुड़, और गुड़ भी इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाला जाता है, कोई कुछ खट्टी सी पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मीठी पसंद करते हैं, तो इस तरीके से जो भी आपका टेस्ट। गुड़ मेल्ट हो जाएगा और एक इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा, तो चटनी तो हमारी रेडी हो जाएगी। तब तक मैंने ये पनीर भी ग्रेट कर लिया है, और ये प्याज जो कि छील के रख ली थी चॉपर में चॉप कर ली है। अब मैं तैयारी कर रही हूँ पराठे बनाने की, आटा भी मैंने लगा के रख लिया है। अब इसमें मैं थोड़े से मसाले डालूंगी जो कि स्टफिंग में डाले जाते हैं, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, और इसमें डाल दिया है मैंने सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है अमचूर पाउडर खटास के लिए। हालांकि चाट मसाला डाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर भी डाला है, और आप चाहे तो थोड़ा सा गर्म मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने गर्म मसाला नहीं डाला। थोड़ा सा इसमें मैं कलर वाली रेड चिली डालना भूल गई थी, तो वो डाल दी है, उससे कलर बहुत अच्छा आता है, देखने में भी टेस्टी दिखता है। और यहाँ पे देखिए चटनी हो गई है रेडी, आम की खट्टी मीठी चटनी। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आप चाहें तो थोड़ा सा पहले गुड़ डाल के उसमें पीस रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी लगती है, जैसे सौंठ होती है ना बिल्कुल उस तरीके से बन जाती है, दाल के साथ
या फिर ऐसे भी पराठे, रोटी, जो भी आप चाहें इसके साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। और इसका जो तासीर होता है ना, बहुत ठंडा होता है। गर्मी के सीज़न में ये बहुत अच्छी रहती है, दाल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। खट्टी मीठी चटनी, जैसे सौंठ ले लेते हैं ना कुछ लोग, तो बहुत टेस्टी लगती है। ये भी पराठे बनाने भी मैंने साथ साथ ही शुरू कर दिए हैं। एक पराठा मैंने तवे पे डाल दिया है और बस लोई बनाई, सिंपल तरीका, एकदम स्टफिंग रखी और अच्छे से फोल्ड किया। और थोड़ा सा मैं हाथ से कर लेती हूँ जिससे कि पराठा फटता नहीं है। और कोई भी हम भरवा पराठा बनाएं, चाहे वो पनीर का हो, प्याज का हो, आलू का हो, आटा हमारा अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ड अगर हम थिक आटा करते हैं ना, तो उसके पराठे अच्छे नहीं बनते, स्टफिंग बाहर आ जाती है जैसे हम पराठा बेलते हैं। और ये देखिए, क्रिस्पी क्रिस्पी फूले फूले पराठे बन रहे हैं। फूल इसलिए रहे हैं, प्याज तो मैंने डाली है, प्याज के पराठे नहीं फूलते हैं, लेकिन मैंने फाइन चॉप करी है चॉपर में, तो पराठे फूल रहे हैं। फूले फूले पराठे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। पराठे तो खैर सारे टेस्टी लगते हैं, लेकिन फूलने से भी ना पराठे का टेस्ट बढ़ जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट पराठा हो जाता है। मीडियम आँच और दबा दबा के हल्का सा इनको सेकना है, बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं। तवा मेरा ये बहुत भारी है, तो ये ना गर्म हो जाता है, तो फिर इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता। हालांकि इसको मांजने में, साफ़ करने में बहुत मेहनत लगती है, ईंट रगड़नी पड़ती है मुझे इसके ऊपर। आयरन का तवा जिनके पास होगा उनको तो पता ही है कितनी मेहनत इसको साफ़ करने में लगती है। साफ़ ना करें तो ये बहुत गंदा हो जाएगा। तो इस तरीके से पराठे मैं सारे बना लूँगी और साथ साथ सबको सर्व भी कर रही हूँ, क्योंकि गरम गरम पराठे का तो टेस्ट ही अलग होता है। और आ जाइए आप लोग भी, ये थाली पतिदेव की लगा दी है क्योंकि उनको दही पसंद है। कुछ दूध, कुछ दही, कुछ चाय हमेशा ऐसे ही मेरे घर में होता है, मक्खन के साथ। अचार भी मैंने रख दिया है, टेस्टी वाला, काफ़ी हैवी वाला बोलूँ, हेल्दी बोलूँ, जो भी, ब्रेकफास्ट बनके तैयार है। और मक्खन के साथ ना टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मक्खन भी नहीं था घर में, ख़त्म हो रहा था, तो ये लेके आए थे पनीर के साथ ही। तैयार होके सारा घर का काम खत्म करके हम निकल लिए हैं थोड़ा सा घूमने के लिए हरिद्वार साइड। वो आप बोलोगे कि हरिद्वार में तो आप खुद ही रहते हो, तो हम हरिद्वार से बहुत हटके रहते हैं, तो देख रहे हैं कि कहाँ पे जाएंगे। कुछ प्रोग्राम फिक्स भी नहीं था, फिर सोचा ऐसे कभी टाइम मिलता ही नहीं, आज ये घर पे ही थे, तो ये हमें ले जा रहे हैं घुमाने। हम मुझे नहीं पता कि हम कहाँ जाने वाले हैं। जाएंगे हम छोटे ही मंदिर जाएंगे, कहीं बहुत बड़े नहीं। मतलब हरिद्वार में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो बहुत अच्छे हैं और दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं। और आजकल तो अब छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, खैर अभी तो नहीं हुई है पर होने वाली है, तो बहुत भीड़ भाड़ रहने वाली है हरिद्वार में आगे आने वाले एक महीने तक। पूरा जून का महीना ना पूरा जाम जाम में निकल जाएगा। घर से निकलो तो कई घंटे तो हरिद्वार पहुंचने तक लग जाते हैं। धूप बहुत तेज है, उसको देखते हुए देखते हैं कि कहाँ पे हम जाने वाले हैं। 3-4 घंटे हैं हमारे पास घूमने के लिए। आज हमने शॉप भी नहीं खोली, और शाम को तो खैर मैं सोच रही हूँ कि आने के बाद मैं शॉप पे चली जाऊंगी। इस बहाने थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा और बच्चों को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो जी, श्रेय गाड़ी चला रहा है, पापा साइड में बैठे हैं और हम माँ बेटा पीछे बैठे हैं। तो ऐसा हमारा आज का हेलो श्रेय बाबू, हेलो हेलो के अलावा कुछ नहीं बोलते वीडियो में कुछ भी। तो जी चलते हैं और देखते हैं बस कहाँ जा रहे हैं, अभी तो कुछ पता ही नहीं होती कहाँ जा रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं। फिर जा क्यों रहे हैं जब पता नहीं है? टाइम पास करने, टाइम पास नहीं हो रहा। आज मूड बना कि कहीं बाहर जाना है, कई दिनों से हो रहा था। पर ये है देखो, इतनी धूप है बाहर, अगर हम गंगा जी वगैरह भी कहीं जाए ना तो ऊपर से इतना तप जाएंगे बहुत ज्यादा। तो गंगा स्नान तो हम नहीं जाएंगे ना, हम उस हिसाब से आए हैं, मंदिर है इधर, तो बस घूमने के हिसाब से आए हैं। मंदिर में कहीं दर्शन करेंगे, सबसे अच्छा वही है मेरे लिए, तो वही सबसे अच्छा है।
गए हैं जहाँ पे हम आते हैं बिल्केश्वर मंदिर हरिद्वार। और मंदिर तो साइड में है लेकिन यहाँ पे हम आए हैं एक ट्रांसपोर्ट पे। एक पार्सल आना था हमारा और वो पार्सल यहाँ पे आ गया है। हालांकि हम यहाँ पे नहीं अपना पार्सल कोई भी ट्रांसपोर्ट से मंगवाते हैं, पर वो शायद ट्रांसपोर्ट या तो उनको याद नहीं रहा किस पे भेजना है किस पे नहीं। हम भद्रावा ट्रांसपोर्ट से उठाते हैं, उठाते नहीं है, वो हमें शॉप पे देके जाते हैं या फिर इनके ऑफिस पे दे जाते हैं अगर ये बोलते हैं कि आज मैं खुद लेके चला जाऊंगा, नहीं तो शॉप पे ही छोड़ जाते हैं। तो आज यहाँ हमारा पार्सल आया पड़ा है, तो ये पार्सल उठाने आए हैं। और अब मैं मंदिर के पास आए और मंदिर दर्शन ना करूं तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैं मंदिर में दर्शन करने भी जाऊंगी। और पार्सल देखो इन्होंने दिख नहीं रहा है कुछ भी, धूप है बाहर बहुत, तो इन्होंने पार्सल रख दिया है। काफ़ी बड़ा पार्सल है, काफ़ी बड़ा पार्सल है, डिक्की में बड़ी मुश्किल से आया गाड़ी के। तो जी अब हम करेंगे पहले मंदिर के दर्शन। ये इनको पैसे वैसे दे रहे हैं, सारे पार्सल वहाँ पे रखे हुए हैं ट्रांसपोर्ट के। यहाँ से ना बहुत दूर पड़ा है हमारा घर, तो बुल्ला भी था उनको, अभी एक हफ्ता पहले भी आया था पार्सल, तब भी उन्होंने यहीं पे भेजा था। मम्मी मेरी इज्जत ही नहीं है। क्या हो गया, देख लो खुद रखा। हाँ पापा तुम्हें बोलो चाय बनवा दूँ, और यहाँ यहाँ मैंने तो बांधे ही नहीं थी, आज लो खुद ही बांध लो आप। अच्छा यहाँ तो खुद ही बांधा था हमने। ये होगा नहीं जब यहाँ, ये नहीं वो दूसरे थे। देखो जी अंश की बात सुनो, क्या मम्मी मैं पिछली बार ये पार्सल उठाने आया था, पता नहीं गाड़ी नहीं थी उस दिन हमारी, कहाँ थी पापा कहाँ थे ऑफिस, हमने सोचा था उधर आएगा। हाँ लगा था कि छोटा होगा पार्सल, भैया बोल रहे थे जहाँ जिन्होंने भेजा था कि छोटा ही है। छोटा नहीं वो था कि कंपनी आता पार्सल पर आया यहाँ पे, नहीं वो तो था उस दिन की बात कर रही है, लग रहा था कि छोटा होगा लेकिन वो बहुत बड़ा था उस दिन भी, पता नहीं जैसे तैसे करके स्कूटी पे पार्सल ले गया था। तो बोला मम्मी पापा का उन्होंने खुद रखा और मेरा नहीं रखा था। मैंने बच्चों को बड़ों को फर्क होता है। तो जी चल दिए हम बिल्केश्वर मंदिर जो कि मेरा फेवरेट है, तो अच्छे से दर्शन करेंगे और फिर हम जाएंगे किसी और मंदिर, जो कि मतलब हम देखने के लिए जाएंगे, ऐसे पूजा वगैरह के लिए नहीं जाएंगे। हरिद्वार में बहुत मंदिर है, जाना हुआ ही नहीं तब से, बस हम मनसा देवी चंडी देवी वो तो खैर बड़े मंदिर हैं, काफ़ी ऊंची ऊंचाई पे है, चढ़ाई पे है, तो हम नॉर्मल ही मंदिर में आज किसी में जाएंगे। क्या जगह छोटी है ना साइड में, एक काम कर पीछे ले ले, ले पीछे ले तू, चल चल चल। अच्छे से दर्शन हो गए और एकांत में ना बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। एक तो आज कोई फेस्टिवल नहीं है, ऊपर से दिन संडे का है, घूमने वाले आ रहे हैं लेकिन वो नहीं है कि कोई फेस्टिवल है, तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है। बहुत पुराना ये मंदिर है और ये मैं वैसे तो काफ़ी बार बता चुकी हूँ लेकिन आज फिर से बता देती हूँ, ये वो मंदिर है जहाँ माँ पार्वती शिव को पाने के लिए तपस्या करती थी, तो वो मंदिर है ये शिव का। यहाँ पर आती थी माता रानी, माता तपस्या करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए पति रूप में पाया था उन्होंने।
तो जी ये है बिल्केश्वर मंदिर, आप लोगों के भी दर्शन करा ही दिए, अच्छा लगता है आप लोगों को दर्शन कराना। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज सेकंड पार्ट इस वीडियो का हो जाएगा, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तब मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।